Hello students, welcome to our another video, that is doses calculation. In this video, basically we are focusing to how to calculate dose. So basically जो dose calculate की जाती है, first जो सबसे major point है वो है age, उसके बाद body weight और उसके बाद body का surface area. तो इस video में हम ये तीनों method देखेंगे कि किस बिहाफ पे कितनी डोज कैलकुलेट की जाती है, मींस चिल्ड्रन को कितनी देनी चाहिए या जो ओल्ड पेशेंट है या एल्डर पेशेंट है उनको कितनी क्वांटिटी में डोज देनी चाहिए. नाउ फर्स्ट मेथड इज बेस्ड ऑन एज. सो एज के हिसाब से बेसिकली जो हमारे पास पेशेंट होते हैं जो डोज कैलकुलेट करने की जरूरत होती है वो होती है चिल्ड्रंस में, जिन हम पीडियाट्रिक्स में बोलते हैं. अब इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज गिवन है, जैसे फर्स्ट जो फॉर्मूला हम ले रहे हैं दैट इज यंग्स फॉर्मूला. सो अकॉर्डिंग टू यंग्स फॉर्मूला ये जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा बिलो 12 ईयर जो चिल्ड्रंस है उन पर. तो बिलो 12 ईयर चिल्ड्रंस के लिए डोजेस कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला डोज फॉर चाइल्ड इक्वल्स टू एज इन ईयर अपॉन एज इन ईयर प्लस 12 इनटू एडल्ट डोज. यहाँ पे स्टूडेंट देखने वाली बात यह है जो 12 दिया हुआ है ये दिया हुआ है 12 अंडर 12 ईयर ऑफ एज. और जो एडल्ट डोज है, एडल्ट डोज मीन सपोज जो एडल्ट होते हैं जैसे सपोज करिए पैरासिटामोल, उनकी डोज है सपोज कीजिए 500 mg, तो यहाँ पे हम रख देंगे 500 mg. अगर उनकी डोज है 700 mg तो हम यहाँ पे रख देंगे 700 mg. चलिए एक बेसिक सा एग्जांपल लेके देखते हैं. सपोज जो चिल्ड्रन है उसकी जो एज है ईयर में वो है 12, तो लिखिए हमने 12, तो एज इन ईयर अपॉन 12 प्लस 12 ऑलरेडी गिवन है और इनटू एडल्ट डोज. हम सपोज कर रहे हैं यहाँ पे जो एडल्ट डोज है वो है 500 mg, तो इनटू 500 mg इसकी जो कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा 250 mg. सो जो 12 ईयर का पेशेंट था, अगर हम उसे पैरासिटामोल की डोज देनी सपोज 500 mg की, तो उसकी आ जाएगी 250 mg एज पर यंग्स फॉर्मूला. So another method is or another formula is that is Dilling's formula. So according to Dilling's formula, जो ये formula है ये base करता है 4 to 20 years age के patient के लिए. अब अगर इसके हिसाब से हमें dose calculate करनी है तो dose for child equals to age in years upon 20 into adult dose. So let's take an example, basic example, that is the age of patient is 20 years. Suppose 20 upon 20 into adult dose. यहाँ पे भी हम सपोज कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं जो एडल्ट डोज है वो है 500 mg, तो यहाँ पे हमने रख दिया है 500 mg, तो इक्वल्स टू 500 mg डोज आ गई इसके लिए अगर उसकी एज है 20 इयर्स. तो इसी तरीके से हम जो बिलो 20 रहेगा 18 हो 17 हो, इसी फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करके उसे इजिली हम कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारे पास है फ्राइड्स फॉर्मूला. सो अकॉर्डिंग टू फ्राइड्स फॉर्मूला जो एज रहेगी पेशेंट की वो रहनी चाहिए ये अब तो वर्क करेगा 2 इयर्स के लिए, मीन जो पेशेंट की एज है वो 2 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. तो अगर जो पेशेंट है उसकी एज बिलो 2 इयर्स या अप टू 2 इयर्स तक है तो उसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा डोज फॉर इन्फेंट्स इक्वल्स टू एज इन मंथ. यस स्टूडेंट, यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है वो है एज इन मंथ. अभी तक हम जो प्रीवियस फॉर्मूलाज थे उनमें हम जो एज दे रहे थे वो हम डायरेक्टली इयर्स में पुट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें उसे पहले मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट द डोजेस फॉर्म. सो एज इन मंथ्स अपॉन 150 इनटू एडल्ट डोज. तो अगर हमें इसकी बेसिक कैलकुलेशन करनी हो तो एज इन मंथ, सपोज एक 2 साल का बच्चा है तो 2 इयर्स में जो मंथ्स होंगे वो होंगे 24 अपॉन 150 इंटू सपोज कीजिए कि जो एडल्ट डोज है वो फिर दोबारा से 500 mg है, सो जो 2 इयर्स का बच्चा है उसके लिए जो डोज कैलकुलेट करके आई है हमारे पास 80 mg. अगर एडल्ट डोज हमारे पास सपोज कीजिए 500 mg हमने ली है. सो स्टूडेंट्स एज के बेस पे कैलकुलेशन के बाद जो नेक्स्ट कैलकुलेशन आती है वो आती है बॉडी वेट के हिसाब से. जो एज है वो एक प्राइमरी क्राइटेरिया है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डोज. अब इसके बाद जो आएगा हमारे पास वो है बेस्ड ऑन बॉडी वेट, क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट बॉडी वेट भी वैरी करते हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी टू कैलकुलेट डोजेस फॉर्म अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट. जो इसके अंतर्गत हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला रहेगा दैट इज
Collins formula. So according to Collins formula, dose for child is equals to age at next birthday in years upon 24 into adult dose. Age in next जो birthday दिया हुआ है इसका meaning क्या है कि suppose कीजिए अभी मेरी age है 30 years, तो next birthday तक मेरी age 30 complete हो जाएगी, तो next year मैं लिखूंगा अपनी age 30. So that's why that is mentioned here age at next birthday in years. अब suppose जो एज है पेशेंट की वो दी है 24 इयर्स, तो हमने यहां पे लिख दिया उसकी एज नेक्स्ट बर्थडे पे 24 इयर्स कंप्लीट हो जाएगी, तो 24 अपॉन 24 इनटू सपोज द पेशेंट एडल्ट डोज इज 1000 mg. सो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद जो डोज आएगी 1000 mg फॉर 24 ईयर पेशेंट. सो बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेशन में जो हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा दैट इज क्लार्क्स फॉर्मूला. इट इज अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच इज यूज टू कैलकुलेट द डोजेस फॉर्म. सो अकॉर्डिंग टू क्लार्क्स फॉर्मूला डोज फॉर चाइल्ड इज इक्वल्स टू चाइल्ड वेट इन केजी अपॉन 70 इंटू एडल्ट डोज. सो जो पेशेंट है जो बच्चा है उसका जो वेट होना चाहिए वो होना चाहिए केजीज में और अपॉन 70 मीन्स एक एवरेज वेट रखा गया है हमारे जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो हेल्दी पर्सन है उसका एवरेज वेट 70 केजी होना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी कैन इजिली कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डोज विच इज रिक्वायर्ड फॉर पेशेंट. सो नाउ लास्ट मेथड इज अकॉर्डिंग टू सरफेस एरिया. बेसिकली जो सरफेस एरिया होता है उसकी जो आउटर स्ट्रक्चर होती है मीन उसकी लेंथ और उसकी हाइट या ब्रेथ को जब हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज कॉल्ड सरफेस एरिया. सो इट इज वेरी एक्यूरेट मेथड एज कंपेयर टू age and body weight. So we have Kaiser formula to calculate the dose according to body surface area. So according to Kaiser formula, dose for patient is equals to surface area of patient in meter square upon 1.73 meter square into adult dose. जो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1.73 मीटर स्क्वायर है ये एक एवरेज और एक स्टैंडर्ड एक सरफेस एरिया दिया हुआ है 1.73 मीटर स्क्वायर. सो स्टूडेंट दिस इज द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ पोजोलॉजी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेशन ऑफ डोजेस फॉर्म. सो कीप लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल द फार्मा पाठशाला. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.